ओके जी, वेल फर्स्ट लेटर है जी हमारे पास, के इनफॉर्मल लेटर्स है, दैट इज ऑन पेज नंबर 18। लेटर टू मदर अबाउट योर हेल्थ, दैट इज फर्स्ट लेटर। About health. ठीक है। Well, ये लेटर की हेडिंग है, कैन यू रिसीव? ओके जी, दैट इज पेज नंबर 18। इज इट क्लियर? हाँ जी, पेज 18। वेल जी, स्टार्ट करते हैं इसको। मैं अपने पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ, सो वी हैव टू पेजेस हियर। वेल जी, सबसे पहले एज यू नो के लेटर जो होता है, 8th क्लास 7th क्लास में भी हम ये देखते आए हैं कि यू हैव टू राइट द एड्रेस एट द लेफ्ट टॉप ऑफ द पेज। क्लियर है जी? ओके जी, सो वी राइट हियर एग्जामिनेशन हॉल, सो आवर एड्रेस इज एग्जामिनेशन हॉल, सो वी राइट इट एग्जामिनेशन हॉल। यू हैव टू राइट दिस लेटर इन योर कॉपीज एंड यू हैव टू राइट इट टू व्यू वेरी ब्यूटिफुली इन व्यू। ठीक है जी, नजर आए कि आपने वाकई बहुत मेहनत से ये लेटर लिखा है। मेहनत से मुराद ये है कि ऑब्वियसली यू हैव टू राइट द सेम वर्ड्स एज रिटन ऑन द बुक, बट यू हैव टू राइट इट इन क्लियर हैंड राइटिंग प्लस विद द एग्जैक्ट पैटर्न आई वुड टेल यू। ओके, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC। बहुत प्यारा करके आपने ये लेटर लिखना है अपनी कॉपीज पर, ताकि इसमें पैटर्न भी मिस ना हो और इसके अलावा खूबसूरत लगे। तो हेडिंग जो है वो आप मार्कर से देंगे, बाकी जो यहाँ से लेटर एड्रेस से शुरू होता है और लास्ट तक जब जाएगा, इसमें आपने सिर्फ पेन यूज करना है, मार्कर या और व्हाट एल्स यू शुड नॉट यूज दैट। ठीक है जी, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC। इसके बाद है जी एक लाइन छोड़ी और उसके बाद है जी डेट, दिस इज May 7, 2021। ठीक है जी, एग्जैक्ट डेट। ओके जी, यू हैव टू राइट इट यू टू योर मदर, सो डियर मदर। ठीक है जी, यहाँ तक डियर मदर में डियर जो है वो आप DER डियर ये लिख लें, यहाँ पे लाइट की वजह से शायद आपको नजर ना आ रहा हो, लेकिन बहरहाल दैट इज डियर मदर। तो डियर का वर्ड जो है वो लाइट के पीछे छुप गया, सो देर वुड नॉट बी थिंक ऑफ कंफ्यूजन फॉर यू, बिकॉज मैंने बता दिया कि वो डियर है वर्ड। ठीक है जी, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, एक लाइन छोड़ी, डेट लिखी May 7, 2021, फिर उसके बाद है जी सैल्यूटेशन, सो दिस थिंग इज कॉल्ड सैल्यूटेशन। डियर मदर, डियर फादर, डियर फ्रेंड, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, डियर व्हाट एल्स, और रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम और व्हाट एल्स, जो भी आप यहाँ पे लिखते हैं, दैट वुड बी द सैल्यूटेशन। सैल्यूट से, सैल्यूट का मतलब होता है सलाम, यानी इब्तदा करने का तरीकेकार, किसी चीज को शुरू करना। सो सैल्यूटेशन जो है वो ये है, डियर मदर आई रिसीव योर लेटर यस्टरडे, राइट बीनीथ द कॉमा यू हैव पुट एट द एंड ऑफ दिस सैल्यूटेशन, यू हैव टू स्टार्ट द न्यू पैराग्राफ। इस कॉमा के बाद जो कि आपने सैल्यूटेशन के आखिर पर लगाया है, एग्जैक्ट इसके नीचे या थोड़ा सा इससे आगे आप लेटर का बॉडी पैराग्राफ शुरू करते हैं। सो मैंने किया है आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे।
ठीक है जी। आई एम ग्लैड टू नो दैट आई एम ग्लैड टू नो दैट यू आर फाइन। I was running a fever due to bad food. Sorry. That's all. ठीक है जी। बट इट वॉज अ टेम्पररी एलमेंट। I have recovered now. You need not worry about my health. अच्छा जी, ये दूसरा जो पैराग्राफ है वो भी तकरीबन यहीं से शुरू करते हैं जहां से फर्स्ट पैराग्राफ शुरू किया था। तो ये यहाँ पे, हालांकि ये फिर खत्म हुआ है, हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। But we have to write it from here, right here. You need not worry about my health. About my health. I am perfectly all right. Am taking of my diet. अच्छा, ये मेरी आवाज स्लो आ रही है, मैं खुद ही स्लो बोल रहा हूँ अभी, बिकॉज आई एम राइटिंग दिस। ये जो है ना, अपने असल असल नाम से है यहाँ पे, ये किसी और का दूसरा नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो जो दूसरे नाम इन्होंने रखे हुए हैं अपने, इनको चेंज करें और ग्रुप में इंसानों की तरह आए। ठीक है, अदरवाइज आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। एंड एक्सरसाइज रेगुलरली।
आई होप देन आफ्टर दीज एश्योरेंसेस After these assurances, you will stop worrying about me. Again. Yours. ठीक है जी ये नेक्स्ट है पे माय रिगार्ड्स टू ऑल एट होम ठीक है जी तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं योर्स affectionately x y और z ओके जी ये लेटर हमने लिखा है मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ और लेटर का जो पैटर्न हमने डियर मदर तक तो हमने डिस्कस कर लिया था उसके बाद वाला जो है वो हम करते हैं आई रिसीव योर लेटर यस्टरडे कल मुझे आपका खत मिला आई एम ग्लैड टू नो मुझे ये जानकर खुशी हुई दैट You are fine, क्या आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं? I was running a fever due to bad throat. खराब गले की वजह से मुझे बुखार था बट इट वॉज अ टेम्प्रेरी ailment. ailment कहते हैं बीमारी या तकलीफ को तो ये एक आरजी टेम्प्रेरी आरजी जो मुस्तकिल ना हो थोड़ी देर के लिए थोड़े वक्त के लिए हो तो ओके जी सो ये है बट इट वॉज अ टेम्प्रेरी एलमेंट लेकिन ये एक आरजी बीमारी थी आरजी तकलीफ थी आई हैव रिकवर्ड नाउ मैं अब बिल्कुल ठीक ठाक हूँ ठीक है जी यहाँ तक फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हुआ फर्स्ट पैराग्राफ के बाद जब सेकेंड पैराग्राफ आप शुरू करते हैं तो दैट शुड बी स्टार्टेड राइट एट द प्लेस वेयर द फर्स्ट पैराग्राफ हैज बीन स्टार्टेड तो यहाँ से इतना तकरीबन फासला हमने किया था यहाँ से भी तकरीबन इतना ही फासला हम रख के ये वाला यहाँ से यहाँ तक मार्जिन लाइन से यहाँ तक नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं यू नीड नॉट वरी अबाउट माई हेल्थ आपको ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में मेरी सेहत के बारे में फिक्रमंद होने की आई एम परफेक्टली ऑल राइट मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आई एम टेकिंग गुड केयर ऑफ माई डाइट मैं अपनी खुराक का खाने पीने का बहुत ख्याल रख रहा हूँ एंड एक्सरसाइज रेगुलरली और बाकायदगी से वर्जिश भी कर रहा हूँ आई होप दैट आफ्टर दीज अश्योरेंसेस मुझे यकीन है कि इन यकीन दहानियों के बाद अश्योरेंसेस यकीन दहानियाँ यकीन अश्योरेंस यकीन दहानी कि मैं आप मैंने आपको यकीन करवा दिया है कि ये मैं इस तरह कर रहा हूँ आई होप मैं मुझे उम्मीद है दैट आफ्टर दीज अश्योरेंसेस कि इन यकीन दहानियों के बाद यू विल स्टॉप वरिंग अबाउट मी आप मेरे बारे में फिक्र करना ख़त्म कर देंगी पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम मेरी तरफ से घर वालों को नेक तमन्नाएं पहुंचा दें सलाम पहुंचा दें या कुछ भी दुआ के रिगार्ड्स दुआ नेक तमन्नाएं ख्याल ये सारा ठीक है योर्स अफेक्शनेटली एक्स वाई जेड ठीक क्लियर यहाँ तक अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी थी यहाँ पर ये जो योर्स अफेक्शनेटली है इससे पहले एक लाइन आपने छोड़नी है यहाँ पे स्पेस कम थी इसकी मैं कम छोड़ी है मैंने लाइन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मज़ीद ज़्यादा क्लोज करके तो ये लाइन जो है ये क्लियर करो वेल जी यहाँ पर है आई थिंक कि अब थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन कि यहाँ पे हमने एक लाइन छोड़नी है ठीक है अच्छा दो जगह पे लाइन छोड़ते हैं ये बात भी सुन लें एक
सब्सक्रिप्शन यानी योर्स अफेक्शनेटली फेथफुली, जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हैं, एक उससे पहले और एक डेट से पहले। नोट्स या बुक में आपके शायद डेट के बाद लाइन छोड़ी होगी, वो भी तरीक़ाकार है, लेकिन बेहतर तरीक़ाकार ये है कि आप एड्रेस और डेट के दरमियान डिफरेंस रखें, क्योंकि दोनों में डिजिट इस्तेमाल होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 एट्सेट्रा। तो एड्रेस में भी स्ट्रीट नंबर दिस और हाउस नंबर दिस, तो वो मे भी कंफ्यूज हो सकता है इस डेट से, क्योंकि इसमें भी डिजिट है, तो इसलिए दोनों में डिफरेंस करने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन से पहले लाइन जो छोड़ते हैं, एक्चुअली वो इसलिए होती है कि हमें ये बता रहे होते हैं कि यहाँ पे लेटर खत्म हो गया और अब सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अलग से हमें जो है वो हमने लिख दिया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे लाइन इसलिए छोड़ी जाती है, दैट इज वुड बी एन इंडिकेशन कि लेटर इज एंडेड हियर। क्लियर यहाँ तक? ये वाला लेटर जो है ये आपने अभी किया है, लेटर नंबर 1, मैंने इसको पढ़ के आपको बता दिया इसमें क्या कंटेंट है। अमूमन लेटर 2 या 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है, फर्स्ट वाला लेटर है ये 3 पैराग्राफ में लिखा गया। फर्स्ट पे जनरल सलाम दुआ और उसमें जनरल बात होती है कि ये जो लेटर है ये इस वजह से मैं लिख रहा हूँ, रीजन होती है। जो सेकंड वाले होते हैं इसमें सॉल्यूशन होता है कि ये लेटर जो है मैंने जो लिखा था इसलिए, तो उसकी ये वजूहात थी, तफसील से बयान करते हैं, इसमें डिटेल होती है इसमें सेकंड पैराग्राफ में। और जो थर्ड पैराग्राफ होता है दैट इज ओनली द कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट होता है कि जी मेरी तरफ से सलाम सबको, या खुदा हाफिज कहने का एक तरीका होता है कॉम्प्लीमेंट भी, कि जी बस अब मेरी तरफ से ये लेटर मैंने जो लिखना था लिख दिया, अब ये मेरी तरफ से लास्ट पर है, मेरी तरफ से पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम और सलाम टू ऑल एट होम और व्हाट एल्स, कुछ भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा अब ये आपने कॉपीज पर लिख लेना, ये चीजें समझ आ गई। लास्ट चीज जो है इसमें जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है, जब आप ये है एड्रेस, ये है डेट और इसके साथ है सैल्यूटेशन, डेट और सैल्यूटेशन, इन चीजों में जब भी कोई आप लेटर, जब भी कोई वर्ड शुरू करते हैं तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ये बात जहन में रख लें, ये पैटर्न का हिस्सा है, इसको अगर नहीं करेंगे तो लेटर में पैटर्न जो है उसको गलत कंसीडर किया जाता है और उसकी वजह से फिर मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं। जैसे मई डियर मदर सिटी एग्जामिनेशन हॉल ABC, एग्जामिनेशन का ई, हॉल का एच, सिटी का सी, देन ABC शॉर्ट फॉर्म ऑफ जो भी इसमें करना है, फिर मई का एम, फिर डियर का डी और मदर का एम। यहाँ पर यहाँ तक जो कुछ भी हम लिखेंगे उनको अल्फाज जो इंग्लिश के होंगे उन सबको हम कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। ठीक है जी, एलमेंट होता है बीमारी तकलीफ, यहाँ तक क्लियर है जी? डेट एड्रेस डेट और सैल्यूटेशन में हर वर्ड कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ये एक पैटर्न का हिस्सा है, लेकिन पैटर्न का हिस्सा ये सब्सक्रिप्शन भी है लास्ट वाला योर्स अफेक्शनेटली, लेकिन इसमें जरा डिफरेंट तरीका इस्तेमाल होता है। योर्स का वाई तो कैपिटल होता है लेकिन अफेक्शनेटली का ए कैपिटल नहीं होता, अगर इसको कैपिटल करेंगे तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी, ये पैटर्न से आप हट जाएंगे। अफेक्शनेटली सिंसियरली का एस, फेथफुली का एफ, ये कैपिटल नहीं होते, सिर्फ योर्स का वाई कैपिटल होता है, वहां पे हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, यहाँ पे वो पैटर्न नहीं चलता, ये जहन में अपने रखें और जो मिस्टेक यहाँ पर हो सकती है उससे अवॉइड करें। ठीक है जी, नोट्स में लेटर ऑब्वियसली अलग है, थोड़ा सा उसमें वर्ड्स का डिफरेंस है लेकिन पैटर्न सेम है। यहाँ पर आपको बोर्ड पर लिखवाने का मकसद वर्ड टू वर्ड नहीं था, यहाँ पर लिखवाने का मकसद पैटर्न को फॉलो करना और पैटर्न को समझाना था। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोर्ड पे जो मैंने लिखा है इस पे पैटर्न को फॉलो करें, इसको स्ट्रेस दें, ना कि आप जहन में रखें कि जी हम वो सेम वो जो वर्ड्स हैं उनको हमने करना है, आप अपनी तरफ से भी लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन पैटर्न जो है वो यूनिवर्सल है, आप उसको अपनी तरफ से अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो
इस चीज को जहन में रखिएगा। ये सारी चीजें तकरीबन मैंने आप बता दी आपको। पेज नंबर 18 पर लेटर है, फर्स्ट लेटर। ये आपने होमवर्क की बात अब करते हैं कि ये लेटर आपने एज रिटन ऑन द बोर्ड पैटर्न के मुताबिक आपने अपनी कॉपीज पर लिखना है, बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, और इसको आपने अपनी कॉपीज पर खुद लिखना है, और उसके बाद आपने इसको याद भी करना है। क्लियर है जी? अच्छा, इस बारे में अगर कोई किसी ने कोई क्वेश्चन करना है, या जो क्वेश्चंस हैं आपने अगर कोई रह गया है तो मैं उसको आंसर कर देता हूँ। रोजे अच्छे गुजर रहे हैं बेटा? तो ओके जी, अहमद है जी, अहमद, अल्लाह का शुक्र है रोजे अच्छे गुजर रहे हैं। थैंक यू फॉर आस्किंग। लेटर लेटर मैंने बता दिया था, लेटर पेज नंबर 18 पर है, फर्स्ट लेटर है। राइट करना है, ऑब्वियसली राइट करना है, इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली लेटर सबसे इम्पोर्टेंट है। जो 9th का जो सिलेबस है उसमें एक क्वेश्चन होता है, लेटर स्टोरी एप्लीकेशन या डायलॉग लिखना है, इनमें से चारों में से कोई एक करना होता है, तो लेटर उसमें सबसे अहम है। सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, और देट इज सर, नोट्स में तो डेट में स्पेस नहीं है, हमने भी डेट में स्पेस नहीं, डेट के अंदर स्पेस का बात नहीं, डेट से पहले हमने स्पेस छोड़ी है, और वो पैटर्न का हिस्सा, इंटरनेशनल यूनिवर्सली उसको नोट जो है वो किया जाता है। और आपको पता है कि लेटर की जो एडवांस फॉर्म है वो ईमेल है, ऑफिशियल, बिजनेस, गवर्नमेंटल और इसी तरह की इनफॉर्मल और फॉर्मल ईमेल जितने भी होती है वो लेटर की ही एक एडवांस शक्ल है, तो उसमें ये सारा पैटर्न चलता है। ठीक है, रोज़ा है जी मेरा, आवाज़ स्लो आ रही है, उस वक्त स्लो थी। ओके जी, ये कहते हैं टेक असाइड, ओके आई एम असाइड, असाइड में ए और साइड आपने अलग अलग लिखा है, था साइड, और जब आप कहते हैं ना टेक असाइड तो ए और एस को, ए और एस साइड को इकट्ठा लिखते हैं, असाइड जिसका मतलब होता है एक तरफ हट जाए, टेक असाइड, लेकिन ये हर दफा नहीं, मतलब कि हर साइड के साथ हमेशा ए आपने इकट्ठा नहीं लिखना, लेकिन सिर्फ इस एक्सप्रेशन में टेक असाइड का मतलब है ASIDE, एक इकट्ठा वर्ड है। ठीक है सर, रीड माई नेम वाई, ओके जी, आई डोंट हैव बुक्स सो आई एम रीडिंग बाय नोट्स, तो नोट से लिख लें कोई मसला नहीं है, आप बेशक नोट से लिख लें, लेकिन फिर ये कर लें कि पैटर्न इसको फॉलो करना है आपने। अगर कहीं पे मिस्टेबाज का, कल वो मैंने एक बताया, एक दूसरी क्लास थी आई थिंक 8th क्लास, नोट्स में एक मिस्टेक थी, तो फिर वहाँ पे पैटर्न बड़ा, बच्चे फिर पूछते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, कहते हैं नोट्स में लेटर और है, लेटर तो ऑब्वियसली वहाँ पे वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, कहते हैं एलमेंट बीमारी को या आरजी तकलीफ को कहते हैं, नोट्स में अलग है, ये पहले बता चुका हूँ, और हम आपके वाले याद करें या नोट्स वाला, बेटे मैंने तो बुक से लिखा है, आप मेरा वाला याद कर लें, यानी बुक वाला कर लें या नोट्स वाला कर लें, एज यू विश। हाँ, पैटर्न जो है वो फॉलो ये वाला करना है, नोट्स में लेटर ये तो हो गया बेटा बार बार। अच्छा जी सर, हाय, ओके, हु सेड, अच्छा जी, नॉलेज इज मनी, ओके, नोट्स में सिटी ए बी सी के बाद स्पेस नहीं है, कोई बात नहीं है, आपने इसको फॉलो करना है, यहाँ पे स्पेस है। सर, ईमेल इज द विन, व्हाट डू यू मीन बाय ईमेल, जी सर ईमेल इज द विन, ओके, अच्छा ठीक है सर, नोट्स में सिटी ए बी सी के बाद स्पेस नहीं है, कोई बात नहीं, हमने स्पेस छोड़ी है तो हमने इसी तरह करना है, वैसे हम नोट्स वाला याद कर लें। हाँ जी, आपने नोट्स वाला याद कर लें, पैटर्न ये फॉलो कर लें, मैं बार बार कह रहा हूँ, बुक से करें, नोट से करें, कहीं से भी करें, आपने लेटर ये पैटर्न ये फॉलो करना है, जहां पे स्पेस छोड़ी है लाइन की वहां पे स्पेस छोड़नी है, जहां पे कैपिटल लेटर लिखे हैं वहां पे कैपिटल लेटर लिखने हैं, जहां पे स्मॉल लेटर लिखे हैं पैटर्न में वहां पे स्मॉल आएंगे, इसी तरह से जहां पे पंक्चुएशन मार्क्स लिखे हैं, जहां पे कॉमा है, फुल स्टॉप है, डॉट है,
व्हाट एल्स जो भी है वो उसी तरह से आपने करना है। लेकिन ये जो एग्जामिनेशन का ई एच का हॉल का एच सिटी ये वाले जो है ना, इसके नीचे मैंने डैश सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि ये कैपिटल लेटर्स लिखेंगे, तो इनको नहीं आपने करना। ये मैं अब दोबारा रेज भी कर रहा हूँ, ठीक है? ये ना हो कि आप इसके साथ के जी ऐसे है तो मक्खी पे मक्खी मार दे, और बिल्कुल वैसे ही हर एक लेटर के नीचे लाइन भी लगी हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है? ओके जी, कहते हैं सर ठीक है, रोजा लगे और रोजा तो बेटा जितना कहेंगे उतना ज्यादा लगेगा। डायरी मैंने बता दी है कि इस लेटर को आपने लिखना है कॉपीज पर इसी तरह सेम टू सेम। हाँ, बॉडी पैराग्राफ जो है यानी आई रिसीव से लेकर पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम, ये वाले जो है ये आप बुक वाले लिखे नोट्स वाले लिखे, उससे मुझे कोई मसला नहीं, ठीक है? ठीक है जी, ये क्लियर कर लें। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसको हम जो है, डायरी बता दी है मैंने बेटा, लेटर आपने ये वाला लिखना है और इसको याद करना है। सिटीज एबीसी के बाद स्पेस, दो लाइन छोड़ने नहीं है, एक लाइन छोड़े उसके बाद दो लाइन की जरूरत नहीं होती। और नोट्स वाला जो है, नोट्स मेरे पास बेटा इस वक्त है नहीं, तो इसलिए मैं नहीं कर सकता नोट्स वाला रीड। रिगार्ड्स का मतलब है मेरी तरफ से नेक तमन्नाएं, खुश खैर खाही का पैगाम, ठीक है जी? क्या बेटा बताना है खदीजा? दोबारा पूछ लें खदीजा, आप दोबारा पूछ लें, क्या बताना है मुझे आपका? मैं वो मैसेज जो है मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, नहीं डायरी मैंने बता दी आपको, लेटर जो है ये लिखना है और इसको याद करना है। खदीजा इज सेइंग समथिंग, खदीजा क्या पूछना है आपने? नो सर, आपने बता दिया, ठीक है जी बेटा, ठीक है, चले फिर तो यहाँ तक फिर इसको रखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। और ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि रिस्ट्रिक्शन है कि आप जब इस ग्रुप में आए तो अपना अपना नाम जो है वो वाला करें जो आपका रजिस्टर्ड है स्कूल में, ठीक है? वरना फिर आपको ग्रुप से निकाल भी सकते हैं, क्योंकि जो फिर अटेंडेंस आपकी जो है वो शो नहीं होती, फिर आपकी अटेंडेंस वही शो होगी जो आपने लिखा होगा, ठीक है? और फिर आपको उसका फिर मसला भी उससे हो सकता है। तो नाम वो लिखे जो स्कूल में रजिस्टर है। ओके, अल्लाह हाफिज़।